गड्ढा खोदकर अपनी ही बेटी को क्यों दबाना पड़ा इस पिता को, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। बेटी की जिद करने पर एक पिता रेगिस्तान में घूमने जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो रास्ता खो बैठते हैं और बीच रेगिस्तान में कार के दो टायर पंचर हो जाते हैं। लेकिन बाहर निकलने के चलते उन्हें पंचर गाड़ी भी चलानी पड़ी। अब इस वजह से इंजन खराब हो गया और गाड़ी में आग लग गई, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। उनके पास अब पीने का पानी भी नहीं बचा था। वो दोनों 8 दिन से उसी रेगिस्तान में फंसे थे और दूर दूर तक उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था जिससे वो बाहर निकल सके। पानी ना मिलने की वजह से उनकी बेटी चल नहीं पा रही थी, लेकिन कुछ दूर चलने पर उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है जहाँ से शायद कोई गाड़ी आ सकती थी। कुछ देर बाद उसके पिता एक गड्ढा खोदकर अपनी बेटी को उसमें दबा देते हैं, जिससे कि गर्मी के चलते उसकी बच्ची मरे ना और उसको मिट्टी की नमी मिलती रहे। और फिर वो दोनों वहीं लेट जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ एक गाड़ी आती दिखाई देती है और उसके पिता भागकर उनसे मदद मांगते हैं और फिर दोनों की जान बच जाती है। यह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की सच्ची घटना है। कुछ नया जाना हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना।